चलो ध्यान दो भी आप, ये सम तुमको कहा था सम नंबर 6 सॉल्व करना है। अब ये सेल्स बुक है और सेल्स बुक में क्या एलिमेंट आ गया है, जीएसटी का। और जब जीएसटी का एलिमेंट आता है, मैंने कल आपको समझाया था कि जीएसटी में इन्होंने कैसे दिया, देखो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन अबो रेडीमेड सी जीएसटी 2.5%, एस जीएसटी 2.5% और आई जीएसटी कितना है 5%। आई जीएसटी इन दोनों का टोटल होता है। तो हमें यह समझना है कि अब पहले तो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में वापस आपको आराम से पढ़ाता हूं, प्रिपेयर सेल्स बुक एंड विच बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स ऑफ मिस्टर सौरभ ऑफ महाराष्ट्र। तो तुमको समझ गया पार्टी कौन सी स्टेट की है, महाराष्ट्र की, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद जीएसटी, 7 अगस्त 2018 को उन्होंने सेल किया, मिस्टर मेहुल ब्रदर दिल्ली के थे वो, इनवॉइस नंबर दिया है वो तो हम इनवॉइस के कॉलम में डाल देंगे। 30 शर्ट बेचे, 250 रुपए का एक शर्ट था, हम टोटल निकाल लेंगे। 40 पैंट्स बेचे, 350 रुपए की पर पैंट प्राइस थी, 8% ट्रेड डिस्काउंट उन्होंने दिया हुआ है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना हमें पता है, बट आपको क्या ध्यान देना था, आपको ये देखना था इस सब में कि आप जिस पार्टी के सेल्स बुक बना रहे हो वो पार्टी कहाँ की है, महाराष्ट्र की, और वो जो सेल कर रही है दूसरे पार्टी को वो कहाँ पे रह रही है, दिल्ली। तो ये जो ट्रांजेक्शन ये दो स्टेट के बीच में हुआ है, टू स्टेट्स, ठीक है, एक महाराष्ट्र और दूसरा क्या बेटा, दिल्ली। तो जब आपके ट्रांजेक्शन दो स्टेट के बीच में होते हैं तो उसपे जो जीएसटी लगता है वो सी जीएसटी होगा, एस जीएसटी होगा कि आई जीएसटी होगा, आंसर इज आई जीएसटी लगेगा। ये कंसेप्चुअल बात है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन या फिर फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेट सेल्स बुक का क्या देखा था हमने, डेट, फिर नेम ऑफ, आप सेल कर रहे हो तो कस्टमर रहेगा, नेम ऑफ कस्टमर, कौन सा इनवॉइस रहेगा, आउटवर्ड इनवॉइस LF, और आपका अमाउंट कॉलम था। क्योंकि यहाँ पे जीएसटी आ गया तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ कुछ आपके टेबल में, कुछ टेबल्स मतलब फॉर्मेट में कुछ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ये देखो कुछ कॉलम बढ़ जाएंगे। डेट है, नेम ऑफ कस्टमर है, यहाँ पे डेट है, नेम ऑफ कस्टमर है, आउटवर्ड इनवॉइस भी है, LF भी है। अब अमाउंट कॉलम की जगह उन्होंने लिखा डिटेल्स, और डिटेल में वो क्या करने वाले, कैलकुलेशंस करने वाले। 30 शर्ट खरीदा था, एक शर्ट 250 का था, तो 30 × 250 टोटल कितने के शर्ट खरीदे होंगे, 7,500। 40 पैंट्स थे, बेटा वो उतारो बैग हटा दो आपको, 40 पैंट्स थे, एक 350 का था, तो टोटल कितना हो गया, 14,000। ये कौन से कॉलम में हम लिख रहे हैं, डिटेल्स। तो 7,500 + 14,000 कितना हो जाएगा टोटल, 21,500। इस पे तुमको लेस करना है, क्या लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया था, 8%। तो 21,500 पे जब तुम 8% कैलकुलेट करोगे तो 1720 ये अमाउंट आ जाएगा। बहुत बच्चों को ये कैलकुलेट करते नहीं आता है, मैं वापस बता रहा हूं कितना अमाउंट था बेटा टोटल तुम्हारा, 21,500। इस पे कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, 8%। विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 100, फिर 0000 कट, 8 × 5 = 40, ये 0 हो गया, 4 यहाँ पे आ गया, 8 × 1 = 8, 8 + 4 = 12, तो ये 2 यहाँ पे ले लिया और 12 का एक इधर चला गया, 8 × 2 = 16, 16 + 1 = 17, तो तुम्हारा आंसर 1720 कैसे आया, समझा बेटा, ये तुमने ट्रेड डिस्काउंट निकाला, कौन से अमाउंट पे निकाला, 21,500। एनीवेज कौन से कॉलम में लिख रहे हम ये सारी बातें, डिटेल्स कॉलम। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद तुम्हारा क्या अमाउंट आया बेटा, 19,780। ये किसमें से क्या माइनस किया, 21,500 में से आपने लेस किया, विच डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना अमाउंट आ गया, 19,780। तो याद रखो सर, हमेशा आप लोग कौन सा सम कर रहे हो, ऐसा सम कर रहे हो सेल का जिसपे क्या लगा हुआ है, जीएसटी। तो अगर आपको कुछ सम में सेल का अमाउंट दिया होगा उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी दिया होगा तो सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, जैसे कि मेरा नॉर्मल अमाउंट कितना आया था, 21,500, बोर्ड पे ध्यान दो,
तो कुछ बच्चे सोचेंगे, कंफ्यूज हो गए, सर अब तो दो दो अमाउंट है, एक 8% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का जीएसटी है, क्या करें? तो सबसे पहले आपको क्या रिड्यूस कर देना है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना है 21,500 पे, वो आया 1720। अब मुझे बताओ 21,500 में से मुझे 1720 लेस करना है। आपके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, लेकिन जिस मेथड से मेरे को आ रहा है, बहुत बच्चे जिस मेथड से सॉल्व करते हैं, क्या होगा वो, जीरो में से जीरो तो ये जीरो ही होगा, जीरो में से दो नहीं जाएगा, इधर कितना ले लू 10, और इधर कितना हो जाएगा बेटा 4, 10 में से दो गए 8, 4 में से 7 नहीं जाएगा, तो अगेन यहाँ पे 10 कैरी कर लूंगा, तो 10 और 4 14, और ये क्या हो जाएगा जीरो, तो 14 में से 7 गए 7, अब जीरो में से एक नहीं जाएगा, तो यहाँ पे वापस 10 लेता हूं और ये हो जाएगा एक, 10 में से एक गया 9, और ये एक का एक आ जाएगा 19,780। ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। बहुत बच्चे कहाँ डरते हैं पता है, वो बोलते सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड यार, हमको करते नहीं आता, ये अमाउंट कहाँ से आया पता नहीं। बेटा बेसिक कैलकुलेशन, अब ये अमाउंट आने के बाद अब इन्होंने लिखा है आईजीएसटी, बट प्रश्न असा है माझा कि आईजीएसटी का घेतलं, सम में तो उन्होंने क्या कहा था, ये रहा मेरा सम, उन्होंने कहा था रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन अबो रेडीमेड सी जीएसटी 2.5%, एस जीएसटी 2.5% एंड आईजीएसटी कितना 5%। मैंने आईजीएसटी क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि सर ये जो पार्टी है वो किधर रहती है, दिल्ली, आप कहाँ रहते हो, महाराष्ट्र, तो अगर महाराष्ट्र टू दिल्ली अगर ये आपका दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, और यहाँ पे हमेशा क्या लगता है आईजीएसटी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो आंसर दिया बेटा यहाँ पे इसीलिए आईजीएसटी लिया हुआ है। तुम कहोगे क्या इस सम में सर वो भी रहेगा क्या सीजीएसटी एसजीएसटी, यस ये आगे बताऊंगा फिलहाल में, लेकिन देखो ये दूसरा जो सेल किया है 18 तारीख को, वो पार्टी कहा कि जालना महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में सेल है तो क्या लेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, एकदम सिंपल है, लेकिन फिलहाल वो बाद में जाएंगे। चलो इधर कर लेते हैं, अमाउंट कॉलम में मैंने लिखा इस पे 17,780 पे 19,780 पे कितना परसेंट जीएसटी लगाना है 5%। तो कैसे निकालेंगे जरा बताओ मुझे, पहले जीरो कट हो जाएगा एक, तो एक जीरो रहेगा, अब मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं सबसे, 5 8 कितना 40, ये 4 ये 4 यहां पे रह गया, 5 7 कितना 35 और 4 कितना होता है 39, तो ये 9 इधर आ गया 3 इधर लिख दिया, 5 9 45 प्लस 3 48, ये 8 यहां पे आ गया, ये 4 यहां पे लिख दिया, 5 1 5 प्लस 4 9, लेकिन नीचे 10 बचा हुआ था, डिवाइडेड बाय आप लिखोगे क्या 10, तो ये 0 गया ये 0 गया, तो जीएसटी कितना है बेटा 989। तो ये अमाउंट समझा क्या कैसे आया 989, ये आपको कैलकुलेट ऐसे करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से मत घबराओ क्योंकि कंसेप्ट तुमको आ रहा है, लेकिन याद रखो वापस दूसरी बार बता रहा हूं, आपका जो सेल का अमाउंट होगा, सपोज सेल का अमाउंट यहाँ पे जो भी रहेगा एक्स वाई जेड, ठीक है, इसमें से सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे, अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो ट्रेड डिस्काउंट क्या कर दोगे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर दोगे, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आप क्या कैलकुलेट करोगे जीएसटी। समझ में आ रहा है क्या राजा, पहले करोगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आप क्या कैलकुलेट करोगे जीएसटी। जीएसटी आया 989। अब बच्चों को लिख तो लिया, समझ गया, अब मेरा एक सिंपल सा सवाल आता है तब तुम्हारा ब्रेन ओपन होगा। मेरा सवाल ये है, ये जीएसटी ऐड करो कि लेस करो, यस ये क्या होता है एडेड, ये भी देखो, तो सर 19,780 में मैं कितना ऐड करूंगा 989, बताओ 9 प्लस 0 प्लस 9 9, 8 प्लस 8 16, ऊपर एक गया 10, ये कितना 17, एक ये 10 और एक यहाँ पे, ये कितना हो गया बेटा दो ना कितना 20,000 ना, यस कितना हो गया 22 हो गया 20,000 कितना 769, 20 एक और एक दो 20,769, पॉइंट समझा क्या मालिक, एक और एक यहाँ पे कितना ले लिया दो, तो 20,700, ये समझा हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको टेबल समझा रहा हूँ क्योंकि तुमको सेल्स बुक इजी लग रहा है, सिर्फ ये वाला जीएसटी वाले सब में थोड़ा प्रॉब्लम आया। तो मैंने आपको बताया डेट है, नेम ऑफ कस्टमर है, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर दिया था क्वेश्चन में, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर देखो क्या है
6-2, तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आउटवर्ड में चला गया, एलएफ कॉलम में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद नॉर्मली हम अमाउंट कॉलम बनाते थे, यहाँ पे हमने कौन सा कॉलम बनाया, डिटेल। सारे कैलकुलेशन कौन से कॉलम में लिखे, डिटेल्स। डिटेल्स के बाद क्या लिखा, टोटल। टोटल में क्या लेके आए, इन दोनों का टोटल, तो एक कॉलम एड और एक भरा। फिर सेल्स, मुझे बताओ इसमें से सेल का अमाउंट कितना लेंगे, अभी इधर कंफ्यूजन होता है बच्चों का, तो आप लोगों का सेल का अमाउंट कितना जाएगा, 19,780 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, वो तुमको कौन सा अमाउंट लेना है, सेल। ठीक है, तो आ गया सेल कॉलम में, ये कॉलम है सेल का, सेल कॉलम में आ गया 19,780। सीजीएसटी लगा है क्या, नहीं। एसजीएसटी लगा है क्या, नहीं। क्या लगा है, सीधा आईजीएसटी, कितना 989, वो कौन से कॉलम में डाल दो, इस कॉलम में, खत्म हो गया, एकदम सिंपल है, ज्यादा टेंशन लो मत। देखो अभी आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको सेल्स बुक बनाना है, लेकिन जिसपे क्या लगा हुआ है, जीएसटी, तो आप फॉर्मेट अच्छे से बनाना और समझ के बनाना करके। अब ये जैसे तुमको जीएसटी वाला चीज पता चलेगा, तुम ऐसे फॉर्मेट में लिख दोगे, बोलो क्या लिखा ऊपर, सेल्स बुक ब्रैकेट में एनालिटिकल, वाई, क्योंकि इसमें कौन सा एलिमेंट एडेड है, जीएसटी का। बोलो किसका एलिमेंट एडेड बेटा, जीएसटी का। तो आपने पहला कॉलम लिखा डेट, दूसरा कॉलम लिखा नेम ऑफ कस्टमर, तीसरा आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, चौथा एलएफ, एक्चुअली पांचवा कॉलम अमाउंट होता है नॉर्मल, लेकिन क्योंकि ये जीएसटी है तो इसीलिए हमने लिखा डिटेल्स। डिटेल्स में हम टोटल लिखेंगे, मतलब क्या क्या इंडिविजुअल मल्टीप्लीकेशन, टोटल, इन सबका टोटल कहां पे आएगा, टोटल कॉलम। सेल्स का अमाउंट सेल, सीजीएसटी सी, एसएस और आई आई। चलो ये सब मैं वापस आपके साथ करता हूँ, मेरे को टाइम गया तो भी चलेगा, देख लो। अब मैं सम सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सेम आया, प्रिपेयर द सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक ऑफ मेसर्स सौरभ ऑफ, ये देख लेना है कौन से स्टेट का है, महाराष्ट्र। आपने शुरू किया सम सॉल्व करना, इतना ही सम है, बोले बताओ बनाओ सेल्स बुक, तो आपको जैसे यहाँ पे तो सिंपल है, सेल्स बुक में जाएगा, क्योंकि हम लोग सेल्स बुक में, हमारे बेसिक क्वेश्चन पे आओ, बेसिक कंसेप्ट क्या है सर, सेल्स बुक में कौन सा सेल जाता है, क्रेडिट सेल ओनली, लेकिन क्रेडिट सेल्स ऑफ व्हाट, गुड्स, वो असेट भी रहे तो सेल्स बुक में जाएगा नहीं, कैश सेल्स कैश बुक में जाता है, क्रेडिट सेल्स सिर्फ गुड्स जाएंगे, अगर असेट रहा तो कहां पे जाएगा बताओ, तो जर्नल प्रॉपर में, तो ये रूल तो हमें पता ही था, ये गुड्स ही बेचे हुए हैं क्योंकि इतने होलसेल में बेच रहा है बंदा, प्रॉब्लम नहीं था यहाँ पे, तो किधर दिया भी नहीं है जीएसटी इस इंडिविजुअल तारीख को, लेकिन उन्होंने नीचे बता दिया, सबको एप्लीकेबल है, रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन अबोव रेडीमेड, मतलब सब पे एप्लीकेबल हो गया, सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 और आईजीएसटी कितना 5, तुमको ये सब लेने की जरूरत नहीं, ये कब लगेगा, आईजीएसटी जब ट्रांजेक्शन किसमें रहेगा, बिटवीन टू स्टेट्स, तो ये लगेगा आईजीएसटी। फिर सर वो जालना वाला है, अगर तुम विद इन वन स्टेट है, विद इन सेम स्टेट में बोलता हूं, विद इन सेम स्टेट, तो महाराष्ट्र में ही जालना है विद इन सेम स्टेट, तो फिर तुम्हारा 2.5% सीजीएसटी और 2.5% क्या लगेगा, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगेगा नहीं। इतना क्लियर है, यस सर। सम मैंने पढ़ा, सोल टू मेहुल ब्रदर्स दिल्ली, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे आंसर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 अगस्त था ना, 8 अगस्त, 8 था ना, 7 अगस्त था, ठीक, 7 अगस्त को मैंने किसको गुड्स देते, नेम ऑफ कस्टमर क्या था बताओ, मेहुल ब्रदर्स, क्या मुझे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर दिया है क्या क्वेश्चन में, देखो तो, यस, कितना है 362, कौन से कॉलम में लिख दूंगा है, देखो 362, तो इतना लिखना 362, एलएफ में तो कुछ जाता नहीं, अब डिटेल कॉलम में क्या लिखना है जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग आओ 30 शर्ट्स देते हैं 250 पर शर्ट और 40 पैंट से 350 पर पैंट, ठीक है, डेटा मुझे बताते रहना, कितने शर्ट्स बेचे बेटा, 30 शर्ट्स, ठीक है, शर्ट्स इनटू कितना, 250 का एक शर्ट था, आप कैलकुलेशन करो, मेरे को करना है, इतनी आप है 250 इनटू कितना बेटा 30, कितना आएगा बताओ, तो पहले इसको कर लो क्या, 7 × 5 कितना, ये हो गया 15, ये हो गया 1, ये 3 × 2 = 7 और 1 = 7 और ये 2 0 यहाँ पे ले लिए, तो कितना आया 7,500। ये कैलकुलेशन तुमको विदाउट कैलकुलेटर करना पड़ेगा, बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि पोस्टिंग कैसे करते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है सर तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं,
वे बहुत डिफरेंस है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो ऐसे मत बोलना अकाउंट नहीं आ रहा है, अकाउंट आ रहा है, सिर्फ मैथमेटिकल चीजें हमको सीखनी है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल कॉलम में कितना लिख दिया बेटा, 7500, ध्यान से देखना। फिर कितने पैंट्स बेचे मैंने उनको, 50 पैंट्स, 40 क्या, ओके ठीक है 40 पैंट्स, मेरे को डेटा बताते रहे ना बेटा, वो मैंने पढ़ा मैं भूल गया रहेगा तो फिर बताओ। 40 पैंट्स बेटा, एक कितने की है, 350 का एक पैंट है, तो बताओ क्या कैलकुलेशन हुआ रहेगा। बच्चे बोलेंगे सर ये तो लिख दिया 350 × 40, ऐसे करो 4 5 कितना 20, ये 0 और 2, 4 3 12 12 और 2 कितना बेटा मतलब 12, ये 0 इधर आया ये 0 इधर आया, टोटल कित 12 + 2 = 14, सॉरी ये 0 इधर आया 12 + 2 = 14, सॉरी तो ये कितना हो गया 14,000। तो क्या यहाँ पे लिख दूं मैं इसे, फटाफट कैलकुलेट करो, अभी तो कुछ उस कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, टोटल करो, कितना आएगा टोटल इसका, वहां पे देख के बोलो मत, 0 0 5 7 और 4 11, यहाँ पे आ गया 21,500, ये हो गया टोटल, पक्का समझा, ये बेसिक टोटल इसकी यहां तक की। अब इस टोटल पे तुम लेस करोगे, क्या लेस करोगे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। अब तुम बोलोगे सर ये ट्रेड डिस्काउंट किधर दिया हुआ है, अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कहा है, 8% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसीलिए तुम सेल्स पे पहले डिस्काउंट क्या कर दोगे, लेस। कितना आता है 21,500 पे हमने निकाला होता, ट्रेड डिस्काउंट कितना था 17,020, ध्यान से निकालो बेटा 21,000 है कितना, 1720 आई थिंक, कितना 1720, ठीक है तो लेस कर देंगे 1720, कितना आएगा अगर 1720 लेस किया तो 19,780। और इस पे तुमको अब ये दिमाग लगाना है कि कौन सा जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, भाई बिकॉज ये महाराष्ट्र से किसे बेटा है, दिल्ली, और ये जीएसटी ऐड होता है कि लेस होता है बेटा, ऐड, और तू बोलना ऐड आई जीएसटी जो कितना परसेंट था, 5%, और 5% जब तुम कैलकुलेट करोगे, हमने निकाला कितना निकाला, 7 क्या 989, मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया 989। अब हमने इस, ये डिटेल कॉलम है, इसका जो भी टोटल है अल्टीमेटली वो कौन से कॉलम में पोस्ट करेंगे, टोटल 19,780 + 989 कितना होता है टोटल, ये फटाफट आदत लगाओ यहाँ पे, देखो मत तुम लोगों ने ना यहाँ पे बैठ के नोटबुक निकालना चाहिए, ढूंक लो बेशर्मों की तरह, यहाँ पे देख रहे ऑनलाइन वाले भी वैसे ही कर रहे हैं, निकालो ना कैलकुलेट करो, क्या बैठे हो तुम लोग, ऑनलाइन वालों आप भी करो फटाफट, अगर आप सिर्फ लेक्चर देखे उससे होगा नहीं, अगर 11 में हो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कितना बेटा 20,769। ये तुम्हारी गलतियां अगर होगी अमाउंट, और अमाउंट गलत भी बोलना मत, तुम बोलोगे कि सर तो पोस्टिंग ना मार कर दे क्या, कुछ नहीं मिलेंगे भाई, तू मेन अमाउंट ही गलत लिख रहा है, कैसे मार्क्स मिलेंगे, बोले सर हमको इधर ही नहीं आता, भाई तू प्रैक्टिस कर बेटा, है ना, पेपर में टाइम नहीं पूरेगा, नहीं तो प्रैक्टिस मस्ट है, इजी चीज है बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ तक कोई डाउट, तो आपने जो डिटेल और टोटल कॉलम बनाया यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। अब मेरे को बताओ सेल्स कॉलम में सिर्फ आपको कौन सी अमाउंट डालनी है, सेल की, अब सेल्स का अमाउंट क्या लोगे आप, ये आफ्टर डिडक्टिंग विद डिस्काउंट ट्रेड, बच्चे पेपर में गलती करेंगे, बोले सर सेल ये वाला ले क्या दोनों को ऐड करके, नहीं ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट आप सेल कॉलम में लिखोगे, तो सेल कॉलम में मैंने लिख दिया 19,780। इस सम में ना तो मेरा सी जीएसटी लगा था ना तो एस जीएसटी, क्या लगा था आई जीएसटी, तो आई जीएसटी कॉलम में डाल दूंगा 989। क्या तुमको समझा क्या अभी, ओके पक्का समझ में आ रहा है क्या किया है, ऐसे सम ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूंगा, थोड़ा नया टाइप का है, लेकिन आप लोग इससे डरिए मत, सेल्स रिटर्न के लिए हमने सेल्स रिटर्न बुक बनाया, वहां पे सेम हम डेटा पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, देखो ये तुम बोलोगे सर ये कहाँ पे जाएगा, रिटर्न 5 शर्ट्स बाय मेहुल ट्रेडर, ये कौन से बुक में आएगा, सेल्स रिटर्न, बता देता हूँ कल के लेक्चर में अगर आप देखोगे सेल्स रिटर्न में सेलर कौन सा नोट बेचता है बेटा, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट, कल का लेक्चर अगर देखा और प्रैक्टिस की रहेगी तो तुमको समझा होगा, तो आपने क्या बनाया कॉलम, डेट नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पे इनवॉइस की जगह क्या आया, क्रेडिट नोट, एलएफ डिटेल तो था ही, टोटल सेल सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, कितने शर्ट रिटर्न किए 5, 250
इंटू 5 1250, उन्होंने सिर्फ उतना बोला है पांच शर्ट रिटर्न के, बाकी कुछ नहीं बोला। अभी तुमको समझना था क्या उसपे ग्रॉस पे लिया तुमने, उसमें से क्या लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, उसमें क्या ऐड कर दो आईजीएसटी, तो टोटल इतने अमाउंट के रिटर्न हुए रहेंगे। तो सेल कितना है 1150 सेल्स में 58 किधर गया आईजीएसटी में। सर वापस एक बार बता रहा, उन्होंने कहा पांच शर्ट रिटर्न के, लेकिन आपको पांच शर्ट का प्राइस पता है पर यूनिट, आपको पता है कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया था 8 और कितना जीएसटी था 5, तो उतना करके लिख लो ये आ जाएगा। लेकिन चलो ये बताओ, सोल्ड टू मेसर्स राजा ट्रेडर 18 अगस्त का ये ट्रांजेक्शन है बेटा। अब 18 अगस्त का अगर ये ट्रांजेक्शन है, मैं यहाँ पे आता हूं जरा देखना, 18 अगस्त का ट्रांजेक्शन, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट कॉलम में लिख देता हूं 18 अगस्त, किसे बेचा है राजा, राज है कि राजा है, राजा है ना, मिसेस राजा ट्रेडर, ठीक है, नाम लिख दिया पार्टी का, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है इनवॉइस नंबर, ये क्या है एलएफ, ये क्या है डिटेल्स, ये क्या है टोटल, ये है सेल, ये है सीजीएसटी, ये है एसजीएसटी और ये वो आईजीएसटी, ठीक है। चलो अब सम पे आओ और कितना सिंपल है देखो जरा, 20 जैकेट्स 450 पर जैकेट, ठीक है। तो आप पहले देख लो कि 20 जैकेट्स उन्होंने बेचे 450 पर जैकेट का, तो यहाँ पे करो 20 × 450, कैलकुलेट करो फटाफट, 20 तो आप डायरेक्टली लिख लोगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर, 2 5 10, एक आ गया इधर, 2 4 8 और एक 9, तो आपका ये कितना अमाउंट आ गया, कौन से कॉलम में देखो, इनवॉइस नंबर था क्या वहां पे, कुछ इनवॉइस नंबर दिया है क्या, हाँ 363 लिख देते हैं सर, 363, इसमें तो कुछ नहीं आता। तो डिटेल कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग, कितना 9000, जैकेट का विषय हो गया। फिर सर दूसरा क्या था, 10 प्लेन शर्ट 200 रुपया पर शर्ट, तो 10 प्लेन शर्ट्स दिए इंटू 200 रुपए का एक शर्ट था, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा कैलकुलेशन है 2000, टोटल कितना हुआ 9 + 2 = 11। अब क्या इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है क्या उन्होंने, देखो तो बेटा, यस 8% ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हैं हम लोग लेस, तो फटाफट कैलकुलेट करो नोटबुक में ट्रेड डिस्काउंट कितना आता है, मैं यहां पे लिखता हूं लेस ट्रेड, नोटबुक में करो कैलकुलेट मेरे सामने फटाफट, 8% तो 11000 पे इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, 0000, 8 0 0, 8 1 8, 8 1 8, तो आपका कितना हो गया 880 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा बेटा लेस, तो 880 रुपया हो गया माइनस। अब करो 880 माइनस होने के बाद कितना अमाउंट आता है, 11000 में से 880 माइनस किए, वैसे तो डायरेक्टली भी आ जाएगा, लेकिन करो 0 में से 0 0, यहां पे ले लूंगा 10 10 में से 8 गए 2, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 9 9 में से 8 गया 1, यहां पे क्या हो जाएगा 0, 10120 आया क्या, ठीक है ना, 10120, करना सीखो सर, ये नहीं आएगा फिर बोलोगे अकाउंट में आता है, ऐसे मत करो, ये आ गया आपका 10120। अब इस पे आपको निकालना है सीजीएसटी एसजीएसटी की आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वाई, बिकॉज महाराष्ट्र का ही पार्टी है और उसने जिसको सेल किया वो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या, जालना, और ये महाराष्ट्र में ही ये जालना, तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि इसीलिए सर इस पे सीजीएसटी और क्या कैलकुलेट करेंगे एसजीएसटी, तो दोनों ढाई और ढाई कितना है 5, तुमको 5% कैलकुलेट करना सिंपल जाता है ना, तो वो कैलकुलेट करो उस आंसर को, दो में स्प्लिट कर देना, ढाई ढाई तुमको कैलकुलेट करना नहीं आता, तो एक काम करो, चलो कितना अमाउंट है 10120, चलो 10120 इंटू 5% कैलकुलेट करता हूं, तुम बोलोगे 5 क्यों किया सर, बेटा कर लेंगे बाद में, 5 2 10, ठीक है, एक आया, 5 1 5, 5 और 1 कितना 6, 5 0 0, 5 1 5, तो 5 0 6 0, ये टोटल आंसर है बराबर ना, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अच्छा ये वाला डिवाइड करेंगे, 10 रह गया था, तो 10 रह गया था, तो 10 दिया तो ये 0 गया, तो आंसर आया 506, 506 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा 253, 253, ऐसे निकालो बेटा फटाफट, क्योंकि तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है,
और तुमको सीजीएसटी ढाई और ढाई निकालना है, पांच निकाल लो इजी है, फिर उसका जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय दो कर दो ढाई और ढाई। तो यहां पे तुम लिखोगे एड सीजीएसटी कितना 2.5% और एसजीएसटी 2.5%, तो कितना था वो 253 सीजीएसटी 253 एसजीएसटी, तो ये सब ऐड होता है। तो अब मुझे बताओ 10,120 में ये 506 ऐड हुआ तो कितना होगा यहाँ पे 10,626 आ जाएगा बेटा टोटल कॉलम में। सेल कॉलम में कितना अमाउंट लोगे सेल्स में, यस 10,120। सीजीएसटी में जाएगा यस 253। एसजीएसटी में कुछ जाएगा यस 253। आईजीएसटी में कुछ जाएगा नहीं डैश। अब हम यहाँ पे नीचे टोटल ले लेंगे इनका, टोटल में टोटल कॉलम में देखेंगे भाई दो चीजें आई, एक 20,007 ये देखो 20,769 प्लस 10,120 कितना टोटल होता है पूरे कॉलम का बताओ कितना होता है 626 सॉरी हाँ इधर से करूं तुम लोग कितना आ रहा है देखो बताओ। सर रीच नहीं करना होता ना, यही तो मैंने बेटा सर तू तेरा कर बेटा तू उसका तेरा आंसर दे फटाफट करो, यही तो मेन है बेटा, इसी का प्रैक्टिस चाहिए। अबे ढोकलो ये 20,769 और 10,626 छ नौ और छ कितने होते बेटा 15, ये ऊपर आ गया 7 और 2 9, 7 और 6 कितने हो गए 6 13, ये आ गया एक, ये इधर आ गया एक, 31,395 मतलब 31,395। ये तो टोटल करना पड़ेगा ना, बच्चे बोलते सर ये भी करना है कि इधर टाइम जाता, भाई करना पड़ेगा सिंपल है, इसका टोटल तो उतना ही है, इसका टोटल इधर क्या हमने हाँ इसका, इसका टोटल कितना आएगा सेल का 19,780 प्लस 10,120 जीरो 10 एक इधर 9 ये 9 और ये 2 29,000 भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएसटी में तो कुछ था ही नहीं तो इसका यही आ जाएगा 253 और आईजीएसटी में भी कुछ नहीं था वही आएगा 989। ये क्यों सॉल्व करके बताया सर, क्योंकि आप लोगों को ना वो डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, आप डिफिकल्ट बना रहे हो चीजों को। ये यहाँ पे खत्म हुआ देखो 31,395 29,900 253 सिंपल, तुम्हारा सेल्स बुक विद जीएसटी एनालिटिकल खत्म हो गया। तो जीएसटी आया तो डरो मत, क्योंकि आगे का इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड में इसे बोलूंगा नहीं, सिर्फ जीएसटी आया तो आपको कॉलम रिस्पेक्टिवली वैसे बनाने है करके। क्लियर हुआ बेटा है, ठीक है। इसका मैंने आज सेल्स रिटर्न में क्या करना है तुम्हारा सवाल रहेगा, तो कल का लेक्चर जो मैंने बताया था याद रखो कि आप लोगों को सेल्स रिटर्न बुक वैसे तो आती थी, मैंने बोला डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सीखा था। डेबिट नोट कौन किसे भेजता है, बायर सेलर को भेजता है, वेरी गुड। और क्रेडिट नोट कौन किसे भेजता है, सेलर बायर को भेजता है। तो जब तुम सेल्स रिटर्न बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कॉलम बनेगा, फिर क्रेडिट नोट, क्योंकि सेलर क्या भेजता है, क्रेडिट नोट भेजता है, इसीलिए डेट नेम ऑफ कस्टमर और कॉलम आएगा क्रेडिट नोट। और यहाँ पे इन्होंने दिया था सब में, तो क्रेडिट नोट में नंबर लिख दिया, ये देखो कि रिटर्न 5 शर्ट्स बाय मेहुल ब्रदर दिल्ली ग्रॉस, और यहाँ पे क्या लिखा बेटा ग्रॉस, और ये ग्रॉस लिखा है ना इसी शब्द की वजह से हम लोगों ने उसमें से फिर वापस ट्रेड डिस्काउंट किया, उसको जीएसटी दिया। नेट होता तो क्या बताओगे आगे सम आएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया था उन्होंने ग्रॉस, और क्रेडिट नोट नंबर क्या था 61, तो 61 लिख दिया हमने। क्या अभी आपको समझाया तो समझा क्या ये वाला सब, ओके अब आपको प्रॉपर लिखते आएगा, सिर्फ कॉपी मत करो, चीजों को समझो और अकाउंट में एक ध्यान दो। आपको कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आ रही, शायद कैलकुलेशन में आ रहा है, तो वो कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करो। 11th 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आज नहीं तो कल तुमको ये करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर आज मोबाइल पे कर लिया कैलकुलेटर पे कर लिया तो बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। तो एवरीवन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है 11th, अगर अभी नहीं करोगे तो 12th में तुमको बोर्ड देना है, तो अभी टेंशन से भागोगे तो कहीं ना कहीं तो पकड़ने वाला है, तो इसीलिए कल करे सो आज कर और अभी से ही खत्म करो उसको, ठीक है। सो आई होप तुमको ये वाला सम समझाए, और इसका तो तुमको होमवर्क दिया था। अब देखो सम नंबर 7 क्या है, सम नंबर 7 है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ
मिसेस कीर्ति इन परचेस बुक सेल्स बुक परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न। अब तुमको ये ट्रांजेक्शन पढ़ के पहले तो नोट कर लेना है कि ये ट्रांजेक्शन कौन से बुक में जाएगा, बराबर ना। तो अभी मैं पढ़ना चालू करता हूँ। सोल्ड गुड्स टू सुधाकर स्टोर रुपीज 39,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। तो मुझे बताओ क्या ये कौन से बुक में जाएगा, सेल्स। और सेल्स बुक में जाएगा ऐसे बोला, तो तुमने क्या क्या चीजें देखी। पहले तो कौन सा सेल है, क्रेडिट। क्रेडिट सेल हो क्या है, गुड्स। इसीलिए अगर कैश सेल होता तो सेल्स बुक में जाता नहीं, तो इसीलिए ये कौन से बुक्स में चला जाएगा, SB मतलब सेल्स बुक। परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत ट्रेडर फॉर रुपीज 47,350 पेड कैरियज 250। तो ये कहां पे जाएगा, परचेस बुक। और कैरियज अगर अलग से है तो ये जर्नल में जाएगा। ये मैं सिखाऊंगा आपको जर्नल प्रॉपर, अगर आपने सॉल्व किया रहेगा कल ये सम भले देख के भी क्या रहेगा, तो कैरियज जर्नल प्रॉपर में डाला होगा तो बोलोगे साला ये कैसे हो गया। तो ठीक है, उसमें मोदर देन परचेस सेल के अलावा है, ठीक है। चलो इंग्लिश 6 तारीख सुधाकर स्टोर रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 3,220, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, नेट। और यहाँ पे ही वो प्रॉब्लम है, पिछले सम में हमने ग्रॉस देखा था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट। तो उन्होंने बोला सब कुछ माइनस कर दिया, आप सिर्फ इतना अमाउंट लिखो, बट कौन से बुक में जाएगा, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सुधाकर को हमने क्या किया था, सेल। आपके मन में सवाल रहेगा सर इतना तो कहीं नहीं ले लो, नहीं सुधाकर स्टोर रिटर्न गुड्स बोला है सिर्फ, हमको कैसे पता चलेगा परचेस रिटर्न की सेल्स रिटर्न। तो देखो सुधाकर को आपने क्या किया था, सेल। और सेल के हुए गुड्स वापस आएंगे तो कौन से रिटर्न रहेंगे, सेल्स रिटर्न। तो ये कौन से बुक में चला जाएगा, सेल्स रिटर्न। समझ रहा है अभी कैसे देखना है, हर एक चीज आपको समझा होगा बेटा, आप सिर्फ अपना दिमाग खुला रखिए, आपको ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं समझा, सिर्फ इतना अंतर है कि आपने वो किया कि नहीं, बाकी तो सब सिंपल है जिंदगी में, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कैश परचेस 18,600, कैश सेल्स 16,000, ये किधर भी जाएगा नहीं इन चारों बुक में से, कौन से बुक में जाएगा, कैश बुक। और वो तो बनाना ही नहीं हमको, क्योंकि ये कौन सा सेल और कौन सा परचेस है, कैश। और कैश परचेस कैश सेल्स कौन से बुक में जाता है, कैश बुक, वो सेल्स बुक परचेस बुक में जाता नहीं है। फिर राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस एज पर अवर ऑर्डर प्लेस ऑन 28 फरवरी 2018 37,000। अब ये परचेस है कि सेल है, यस ये है परचेस। इनवॉइस यूजुअली उन्होंने इनवॉइस का मतलब होता है सेल, इनवॉइस का मतलब होता है सेल। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे फिर परचेस बोल रहे हो, उन्होंने क्या कहा, राकेश ने सेल किया हमको, इनवॉइस टू अस, मतलब ढोकला हमने क्या किया रहेगा, परचेस। घुमा फिरा के बोला ऐसे, राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस, हमको राकेश ने बेचा तो हमने क्या किया, खरीदा ही रहेगा। दिमाग का गेम है, वो घुमाते है तुमको, इजी है। समझा क्या क्या है, इनवॉइस का मतलब होता है सेल, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उसने सेल किया हमको तो हमने क्या किया रहेगा, परचेस। इसलिए कौन से बुक में जाएगा बेटा, परचेस बुक। सोल्ड गुड्स रुपीज 3,400 टू रागिनी, कौन सा वो, रिटर्न गुड्स टू राकेश 3,850 एज देवर डिफेक्टिव, कौन सा बुक, परचेस। क्योंकि राकेश का कौन सा बुक था बेटा, परचेस, और राकेश को रिटर्न कर दिया परचेस, कौन सा होगा, परचेस गुड्स, परचेस रिटर्न। अब ऐसे में बोलना सर राकेश के एंगल से तो सेल्स रिटर्न होना, बेटा तुम किसके एंगल से देखोगे, तुम्हारे है ना, जिसका तुम बुक बना रहे हो तो उसके लिए देखो, तुमको बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं तो उलझन और बढ़ेगी। तुम अकाउंटेंट किसके वो देखो, तुम अकाउंटेंट किसके हो, किसका बुक है ये, कीर्ति। तो कीर्ति ने को उन्होंने खरीदा, तो कीर्ति ने खरीदे हुए गुड्स बेचे, तो परचेस किए हुए बेचे, तो क्या हो गया, परचेस। क्रेडिट परचेस फ्रॉम वेसर्स माइकल ट्रेडर 19,450 एज द अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, कौन से बुक में जाएगा बेटा, परचेस बुक। रागिनी रिटर्न गुड्स 19,000 ग्रॉस, अब ये क्या दिया हुआ है, ग्रॉस। और जब ग्रॉस रहेगा तो आप लोग इसमें से भी क्या माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे। नेट रहा तो कुछ नहीं करने का, ग्रॉस रहा तो उस अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने का, लेकिन ये कौन से बुक में जाएगा, सेल्स रिटर्न। क्रेडिट परचेस फ्रॉम ए नहीं ना, ये कौन सा है, किसका है, रागिनी, रागिनी किधर गई, हाँ रागिनी इधर, सेल किया था तो ये कौन से बुक में जाएगा, सेल्स रिटर्न। परचेस ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, जाएगा नहीं, क्योंकि असेट है तो ये किधर जाएगा, जर्नल प्रॉपर, वेरी नाइस, ये जाएगा जर्नल प्रॉपर, ये जाएगा किधर भी नहीं, ना तो परचेस बुक ना तो सेल्स बुक। मैं क्या बोल रहा हूं ना वो समझो, क्योंकि तुम लोग भी इस लेवल पे आओगे,
मैं जब तुम्हारे जैसा 11th में आता हूँ, मेरे को भी लगता था बहुत, मेरे लिए फर्स्ट टाइम तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप हर एक लेक्चर करो तो वो आपका कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। किसी बच्चे को हो सकता है इधर थोड़ा डाउट रहे, तो डरो मत, लेक्चर को दो बार देखो, तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग भी हो रहा, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हो वहां पे, तुम शांति से देखो। मैं चाहता हूँ बेटा कि तुमने बेसिक क्लियर रखा ना, तुमको किधर ही प्रॉब्लम नहीं आएगा जिंदगी में, लेकिन तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए मालिक। ये देखो ऑफिस है तो कुछ बच्चों को ये समझेगा ही नहीं क्यों नहीं डाला, क्योंकि क्या है क्रेडिट परचेस है माना, लेकिन वो क्या है असेट, और इसीलिए वो किधर जाता है जनरल प्रॉफिट, सिर्फ गुड्स को ही हम परचेस बुक में डालेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर 8,000 एंड सोल्ड सेम टू सुनीता 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो ये परचेज बुक में भी जाएगा और सेल्स बुक में भी जाएगा। परचेज बुक में कितना अमाउंट जाएगा 8,000 और सेल्स बुक में कितना जाएगा 8,000 पे 25% ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो 10,000 आई थिंक सो आता है ना, 10,000 रुपया जाएगा सेल्स बुक में। बोलेंगे वाह सर बहुत ही बढ़िया। तो आप लोगों को अभी तो दिमाग चलाना पड़ेगा, जिनको नहीं समझा अपन सॉल्व करेंगे। परचेस गुड्स, परचेस में तो सिक्स सिंपल है, कितना चला जाएगा 8, और ये किसे सेल किया है सुनीता को, तो सेल किया है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो तुम्हारा कॉस्ट कितना था परचेस किया तो 8,000, इस पे तुमने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया 25, 25,000 गया, 25,000 25,800 बोले अरे बाप रे, ठीक है ना। देखो 25 प्लस 25 कितना होता है बेटा 50, इसको तुम चार बार ऐड करोगे तो कितना होता 100, ऐसे 8 बार किया तो कितना होगा 200, तो सिंपल से बात है 200, 2,000 रुपया तुम्हारा क्या आया प्रॉफिट, 25 × 200, 2,000 तुम्हारा प्रॉफिट है। कॉस्ट कितना था 8,000, कॉस्ट में 2,000 तुम्हारा प्रॉफिट जोड़ा और उसको बेच दिया, तो कितने में बेचा रहेगा 10,000, इसीलिए इसके सेल्स बुक में कितना जाएगा बेटा 10,000, इसका मतलब ये होता है Sold the same to Sunita at 25% profit on cost. तो 8,000 में 2,000 का profit जोड़ा और बेच दिया। क्या clear है मालिक है? कौन से book में जाएगा? ये दोनों book में जाएगा, purchase भी और sales भी। और आपको normal purchase book, sales book बनाने को analytical वाला बनाना ही नहीं है, basic है। Sent debit note to Michael Trader. अब debit note कौन किसे बेचता है? Buyer seller को। तो कौन सा return होगा? Purchase रिटर्न। तो जैसे डेबिट नोट आया तुमको समझ जाना चाहिए कौन सा रिटर्न है बेटा परचेस। आई होप तुमको अभी देखो पहली बार भले 10% लेक्चर समझाओ मेरा आज, किसी को 80% समझाओ, किसी को 100% समझाओ, डिपेंड्स कि तुमने कितना प्रैक्टिस किया, लेकिन ये डिफिकल्ट तो नहीं है, उसको डिफिकल्ट मत बोलो। अब क्या करना है सर, और घर पे कुछ बच्चे होमवर्क ही करना था तो क्या करके आया भाई, जाने दो इधर नहीं पढ़ेंगे, सीधा इधर से चालू किया। अरे फॉर्मेट बना दे, 10 मिनट लगते होमवर्क करने को, कितना टाइम लगता बोले सर होमवर्क देते हैं, फटाक 1 2 3 4 हो गया होमवर्क, सर जनरल पेपर भी बना दिया, बोले होमवर्क होमवर्क होमवर्क। ये लो ऐसे होमवर्क करके हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हमने होमवर्क कंप्लीट किया। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर आंसर ही पढ़ लेते, पहले कि दोनों ही पढ़ लेते, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आंसर तुम्हें खुद निकाल, डाउट आएगा तो पूछो। यहाँ पे देखो इसके नोट दिए कि ट्रांजेक्शन 3 तारीख का कैरियज पेड, ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा आपका, पेड मतलब कैश में, तो कैश बुक में होगा बराबर, पेड वर्ड था जनरल प्रॉपर नहीं कैश बुक। ट्रांजेक्शन 10th मार्च का कहाँ पे होगा, अगेन कैश बुक। ट्रांजेक्शन 10th मार्च का कहाँ पे होगा, कैश बुक, जहां पे पेमेंट है और यहाँ पे कैश रहेगा तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे चला जाएगा, कैश बुक में ही चला जाएगा। एक मिनट का, परचेस फर्नीचर क्रेडिट 26 तारीख का ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में गया है ना, बनाया ना उन्होंने, जनरल प्रॉपर ही बोला है क्या बनाने को, हाँ ये देखो फर्नीचर टू शर्मा फर्नीचर, एक इधर चला गया जर्नल प्रॉपर में, इसलिए वो नोट नहीं दिया क्योंकि जर्नल प्रॉपर बना है, सिंपल। और बोले कैसे फॉर्मेट, फॉर्मेट ऐसे बेटा, परचेस बुक डेट, परचेस में नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF अमाउंट, कुछ नहीं उस तारीख लिखने की, उस पार्टी का नाम लिखने का, नेम ऑफ सप्लायर, अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखो, खत्म हो गया। बोले सेल्स, सेल्स बुक डेट, सेल्स में हम किसका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि हमने कस्टमर को सेल किया है। परचेस में इनवर्ड इनवॉइस था, सेल में आउटवर्ड इनवॉइस, LF अमाउंट, जितने ट्रांजेक्शन को सेल दिखाओ सारे के नाम लिखो पार्टी के और टोटल में अमाउंट कॉलम में अमाउंट डाल दो। फिर कौन सा रिटर्न बुक है, परचेस रिटर्न, राकेश और माइकल से 38,3850 और कितना बेटा 3,200। देखो तो 20 और 31 तारीख में तुमको बता देता हूं, मैं कुछ चीजें भी सिखा देता हूँ। 20 तारीख को क्या था, रिटर्न गुड्स राकेश, ठीक है, और कौन सी तारीख है 20 और क्या बोला उन्होंने, क्योंकि मुझे वो ग्रॉस और नेट का बताना है तुमको, 20 एंड 31, तो 20 एंड 31 में कोई दिक्कत नहीं। सेल्स रिटर्न देखो, सेल्स रिटर्न में क्या क्या, लेकिन एक चीज नोटिस की ना, परचेस रिटर्न में क्या है बेटा,
डेबिट नोट, और सेल्स रिटर्न में क्या आएगा? क्रेडिट नोट। ठीक है, सुधाकर और रागिनी अमाउंट देख लो, सुधाकर का अमाउंट कितना है? अमाउंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा है, एवरीबॉडी पे अटेंशन। सुधाकर का अमाउंट कितना है? 3,220। रागिनी का अमाउंट कितना है? 1710। 6 और 23 तारीख, यहाँ पे नीचे नोट भी दिया है, देख सकते हो, 6 और 23 तारीख, वो दूसरा ही है, 6 और 23, 6 तारीख। सुधाकर स्टोर रिटर्न गुड्स कितना का? 3,220। ब्रैकेट में क्या लिखा है? नेट। तो आप यहाँ पे देखो, सेल्स रिटर्न में सीधा आप लोगों ने कुछ टेंशन नहीं लिया, सेल्स रिटर्न में नाम लिखा सुधाकर स्टोर और कितना अमाउंट लिख दिया? 3,220। नेट था तो उतना ही लिया। लेकिन 23 तारीख देखो, 23 तारीख को क्या बोला? रागिनी रिटर्न गुड्स कितना? 1900। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? ग्रॉस। अभी साला समझा नहीं सर, उन्होंने कैसे 1710 लिख लिया, हमको तो पता ही नहीं चला, कुछ और अमाउंट लिखा है। देखो उन्होंने, ऑब्जर्व करो, ढोकलो, ये देखो उन्होंने बताता हूं 26 तारीख को अमाउंट क्या लिखा है? 1710। हमारा उधर अमाउंट क्या दिया है? 1900। 26 तारीख है ना रागिनी का, देखो, क्योंकि मैंने तब तो बताया, कुछ बच्चों को समझा नहीं रहेगा, 26 ना, कौन सा सॉरी 23। रागिनी रिटर्न गुड्स 1900, सेल्स रिटर्न 1900, 1700 कैसे दिया बेटा? देखो रागिनी को तुमने गुड्स बेचा रहेगा, किधर है? ये रहा 17 तारीख को सोल्ड गुड्स टू रागिनी, कितना? 33,400। कितना परसेंट रेट डिस्काउंट था? 10। तो जब आपको ब्रैकेट में वो लोग क्या देंगे पता है? ग्रॉस देंगे ना, ग्रॉस। तो इसका मतलब क्या है? तुमको लिखने का 1900 लेस कितना परसेंट रेट डिस्काउंट? 10। 0000 कितना माइनस करोगे? 190। तो 1900 से 190 माइनस करो, 0। ये 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे कितना हो गया था? 8। 8 में से 1 गया 7। 1710, समझा क्या कैसे? अगर तुमको ब्रैकेट में ग्रॉस बोला तो जो भी ट्रेड डिस्काउंट है वो क्या करोगे? तुम लेस कर दोगे, इसलिए वो 1710 आया। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का, डरने का। जर्नल प्रॉपर तो 5 बुक तुमको समझी, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। है यहां तक समझा बेटा सबको? एवरीवन क्लियर है? हाँ, तो अभी तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे करना है, ये सम करो। और बिना देखे करो बोल रहा हूँ कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम ना कंसेप्चुअल क्लियर स्टूडेंट बने, कॉम्पिटिशन में फिलहाल भागना नहीं, रेस में, वो प्रोसेस पे ध्यान देना, अपने आप कॉलेज में टॉप आ जाओगे। लेकिन सर सिर्फ प्रेशर लेके भूलते जाओगे तो तुम हमेशा पीछे रहोगे। दो बात होती है, फालतू कॉम्पिटिशन करना और एक सच में खुद के लिए पढ़ना। जिस दिन तुमको लगेगा ना सर बिना देखे हमको ना हर एक चीज आ रही, कॉपी बिल्कुल मत करो। आज टेम्पररी तुम हो सकते हो, तुम्हारे दोस्त की नजरों में हीरो बन जाओ होमवर्क करके, लेकिन हम इस चीज के लिए पढ़ ही नहीं रहे, हम लोग खुद के लिए पढ़ने को आए। तो अगर तुमको कोई नहीं समझा तो एक तो पूछो, और पूछने में बिल्कुल भी शर्म मत रखो कि कैसे पूछ ले सर, जो नहीं आ रहा है बिंदास पूछो। समझ में आया? तो ये वाला सम नंबर 8 आपको वैसे अगर आपने किया भी रहेगा बिना देखे प्रॉपर, देखो यहाँ पे भी क्या बोला, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडर इन परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और कुछ रहेगा तो जनरल प्रॉपर। जिन्होंने पहला भी नहीं किया तो ये और 8वां दोनों सम करो, फिर अपन जनरल प्रॉपर पे जाएंगे और ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। 5वां चैप्टर सबसे बड़ा था आपने, प्राची रिटर्न गुड्स 5,000 यस देयर डिफेक्टिव एंड सेम वर रिटर्न टू सुरभि स्टोर, तो इसमें पहले दिया रहेगा सुरभि से परचेस किया रहेगा वगैरह वगैरह 5,000 ग्रॉस वगैरह नेट बोल रहे क्या? हाँ, तो इसमें कितने वो बेचा था? देखो इसमें ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट दिया है कितना परसेंट है? प्राची रिटर्न गुड्स डिफेक्टिव रिटर्न टू सुरभि, इसकी बुक है श्रेयस, परचेस गुड्स फ्रॉम सर्विस गुड्स सिक्योर फ्रॉम सेम वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो देखो 25,000 पे 15,000 पे 25% प्रॉफिट ऐड किया, कितना होता है? देखो 15,000 पे 25% निकालो, तो प्रॉफिट मार्जिन लेस करके उन्होंने 1,000 5,000 कितना है? नहीं रेट है इसमें, परचेस गुड्स फ्रॉम सर्विस गुड सोल्ड टू प्राची, सेल्स बुक में देखेंगे ना 15,000 सेल्स बुक प्राची, हाँ 3,750 आ रहा होगा तुम्हारा।
तो 15,000 में 3,750 किया तो कितना हो गया तुम्हारा 18,750, और उसका कुछ कंपोनेंट उन्होंने 5,000 का रिटर्न कर दिया। अब इंक्लूडिंग प्रॉफिट अगर रिटर्न किया है तो कौन से बुक में सेल किया था, सेल्स रिटर्न में प्राची ने 5,000 के गुड्स रिटर्न किए। और ये तुम्हें तुम्हारा डाउट कैसे यार, सुरभि स्टोर, हाँ उन्होंने एक कॉस्ट लगाया। अब एक काम कर, 5,000 में से तू 25% डिडक्ट करो, 5,000 का 25% निकालो, नहीं एक महीने का 5,000 का 20% निकालो, 5,000 का 20%। एक रूल है जो तुमको मैं बाद में लिख के दूंगा, अभी मैं सीए फाउंडेशन को फिलहाल पढ़ा रहा हूँ। एक रूल क्या पता है, अभी सिर्फ देखो, तुमको बहुत कम बच्चे को समझेगा। अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो तुम्हारा 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, ऐसे रूल है वो। तो तुम्हारा 25% ऑन कॉस्ट था, 25% ऑन कॉस्ट था तुम्हारा। तो तुम लोगों ने क्या किया, 15,000 में कितना परसेंट ऐड किया बेटा, 25%। तो तुम लोग कौन से अमाउंट पे पहुंचे, 18,000, कितना था वो, 18,750, बराबर है कि नहीं। अब इसमें से कौन सा परसेंटेज माइनस करोगे तो इस अमाउंट पे आओगे, तुम बोलोगे 25% माइनस करो, ये गलत हो गया। अब तुमको देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम नया कंसेप्ट, एकदम ध्यान से सुनो, ये सब्सिडी बुक का खत्म हो गया चीज, नई चीज बता रहा हूँ, ऐसे समझ के सुनो। ये कॉस्ट था तुम्हारा, ये क्या था बेटा, कॉस्ट, कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना परसेंट दिया, 25। तो इसमें ये वाला अमाउंट क्या, तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस आया, कितना है सेलिंग प्राइस, 18,750। अब तुमको इधर से ये अमाउंट पे आना है तो 25% माइनस करोगे तो नहीं आएंगे, कैलकुलेटर निकाल के करके देखो, मोबाइल कैलकुलेटर निकालो और इसमें से माइनस करो 18,750 में से 25%, कुछ और ही अमाउंट आएगा। आना क्या चाहिए 15,000, वो आएगा ही नहीं। देखो 15 में 25 ऐड किया तो कितना हुआ, 18,750 ना। तो तुम बोलोगे अगर इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा ही नहीं 15,000। देखो क्या आंसर आते बताओ, 18,750 में 25% माइनस करो, 18,750 में से माइनस दबाओ और 25% 4,600 ना, तो इसमें से माइनस कर दो, 18,750 में से 4,600 नहीं आता, 15,000 तुम्हारा नहीं आता। आधे बच्चों समझ ही रहा मैं क्या बोल रहा, क्या करना है, ठीक है। सी यहाँ पे ध्यान दो, कंसेप्ट क्या है, अरे हीरो पे अटेंशन, 125% मतलब क्या, 1/2 करो तो और इंटू 100 करो, कितना परसेंट आता है, 50%। 1/3 करो इंटू 100 करो, कितना परसेंट आता है, 33.33। 1/4 और 100 करो, कितना परसेंट आता है, 25। 1/5 इंटू 100 करो, कितना परसेंट आता है, 20%। तो मैंने आपको जो रूल बताया वो कैसे एप्लीकेबल होगा, अगर तुम्हारा ये 1/4 कॉस्ट है, 25% मतलब कितना, 1/4, तो सेलिंग का कितना रहेगा, 1/5 मतलब कितना परसेंट, 20%। अब आप निकालो इस पे 20% लेस करोगे ना तो बराबर ये वाला अमाउंट। तुमको क्या कहा है बेटा, रिटर्न कितना सेलिंग प्राइस का गुड्स किया, 5,000, और उसमें से तुमको 20% निकालना है तो 1,000 माइनस किया, इसलिए कॉस्ट कितना है उसका, 4,000 ऑन कॉस्ट। मैं बताऊंगा तुमको, ये बाद में सिखाऊंगा अभी, लेकिन ऐसे लॉजिक था, ये कंसेप्ट था, अभी तुम्हारा बराबर रहेगा, वो पॉइंट में डिफरेंस रहेगा, लेकिन फिर ये चीज है, इस ये रूल है, 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस, ये क्या है और डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक आधा पॉइंट है ना, तुमको इस समय इधर 4,000 का ही लॉजिक है ना, तब जब मैं पढ़ाऊंगा कल तो वापस तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम है कि सम नंबर जो मैं किया अभी रिकॉर्ड हुआ है, घर पे जाके प्रॉपर देखो वापस, लिख लो, तुम लोग जितना पढ़ोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे। और 11 में ध्यान दे दो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कल का मोटिवेशनल लेक्चर देखा रहेगा तो ठीक है, नहीं देखा तो देखो, 12 के लिए नहीं था, मतलब कुछ चीजें ऐसी जो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी तो तुम्हारे लिए भी इक्वली रिलेवेंट रहेगी, प्लीज वो देखो कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक जरिया है कि तुम तुम्हारे सारे है ना कि चीजों को ब्रेक कर सकते हो, मतलब जो भी गलत चीज है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे रुकते हैं आज के सेशन में, थैंक यू सो मच।